केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शुक्रवार को भ्रमण के दौरान रायसेन जिले के सांची में स्थित विश्व धरोहर बौद्ध स्तूप पहुंचे, जहां उनका तिलक लगाकर और पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। इस दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधिकारियों ने उन्हें भगवान बौद्ध की शिक्षाओं और सम्राट अशोक के संदेशों से अवगत कराया। साथ ही स्तूपों की बनावट शैली, उनके ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्व के बारे में बताया। वहीं केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार पर्यटन स्थलों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है और पर्यटन स्थलों को टूरिस्ट सर्किट से जोड़ा जा रहा है। बता दें कि इस दौरान कलेक्टर अरविंद दुबे, एसपी पंकज पांडे और सांची स्तूप प्रभारी संदीप महतो समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। रायसेन से नरेंद्र राय की रिपोर्ट। इस सांची के स्तूप पर आकर के मैं जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूँ कि भारत की संपत्ति, भारत की बौद्धिक संपदा, भारत का ज्ञान, भारत का ऐश्वर्य और भारत का विकास पूरे विश्व भर के लिए एक आकर्षण का केंद्र था, एक कौतूहल का केंद्र था। हजारों सालों तक भारत को देखने के लिए, भारत को जानने समझने के लिए, भारत से ज्ञान प्राप्त करने के लिए, भारत से व्यापार व्यवसाय करने के लिए पूरी दुनिया भर से लोगों का आना होता था। यहाँ आकर के निश्चित रूप से इस गर्व की अनुभूति हो सकती है कि हमारा जो इतिहास कहीं हमारी पुस्तकों में लिखा दबा रखा है वो कितना गरिमामयी था। हालांकि इन सब थाती के चलते हुए भारत को कीमत चुकानी पड़ी, भारत पे आक्रांताओं ने हमला किया, भारत को लूटा गया, भारत को गुलाम बनाया गया। लेकिन आज एक बार फिर आज़ादी के 75 साल पूरे करने के साथ ही भारत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस मुकाम पर आकर के खड़ा हो गया है, जब पूरे विश्व भर का आकर्षण भारत के प्रति एक बार फिर वापस बढ़ने लगा है। भारत की प्रगति, भारत का विकास, भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, भारत का जीवन के विभिन्न पक्षों में विकास, ज्ञान और विज्ञान के विभिन्न विधाओं में भारत की प्रगति और गति अब एक बार फिर पूरी दुनिया को आकर्षित कर रही है।